हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस पर है। इसे प्रीवियसली हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस के बारे में डिटेल में क्लासिफिकेशन और जनरल करेक्टर पढ़ लिया है। तो ऑस्ट्रिक्थिस वीडियो को शुरू करने से पहले हम टाइप्स ऑफ टेल और टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे और फिर जनरल करेक्टर को देखेंगे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ टेल के बारे में बात करें तो देयर आर फोर टाइप ऑफ टेल प्रेजेंट इन द फिशेस। अगर हम बात करें कॉडल टेल की बात हो रही है, मीन्स सबसे पीछे वाले टेल की, दैट इज कॉडल टेल। तो द टाइप्स आर डाइफी सर्कल, हेटेरो सर्कल, हाइपो सर्कल एंड होमो सर्कल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हेटेरो सर्कल हाइपो सर्कल के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम डाइफी सर्कल टेल को देखेंगे। डाइफी सर्कल टेल इज अ प्रिमिटिव टेल, ठीक है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की फिशेज में पाई जाती थी, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की टेल थी। अगर हम बात करें डाइफी सर्कल टाइप इज नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग फिशेज, जो भी डाइफी सर्कल टेल का टाइप है, ये टेल है, ये आजकल पाई जाने वाली लिविंग फिशेज में नहीं पाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें ये प्रिमिटिव साइक्लोस्टोम्स, होलोसिफेली, आपका काइमेरा जिसको हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, उसके बाद डिप्नोई लिंग, जो आपकी लंग फिशेज हैं डिप्नोई में, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका सम क्रॉस ऑफ टेरिजियाई लेटिमेरिया में डाइफी सर्कल टाइप टेल पाई जाती है। डाइफी सर्कल टाइप टेल में जो हमारा वर्टिकल कॉलम होता है, तो हम एक फिगर से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा वर्टिकल कॉलम बिल्कुल टिप तक जो है जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइफी सर्कल टेल। इसमें जो वर्टिकल कॉलम होता है वो टेल एंड तक रहता है। अगर हम बात करें एंड देयर आर टू लोब, एक डॉर्सल की तरफ, वन लोब इन डॉर्सल एंड अनदर लोब इन वेंट्रल। द डॉर्सल लोब इज कॉल्ड इपिकॉर्डल लोब, इपिकॉर्डल लोब, एंड द वेंट्रल लोब इज कॉल्ड हाइपोकॉर्डल लोब, इट इज कॉल्ड हाइपोकॉर्डल लोब। तो हम बात करें ये आपका फ्लैशी, ये जो लोब होते हैं आपके, ठीक है, डाइफी सर्कल टेल में जो दोनों लोब पाए जाते हैं डॉर्सल की तरफ और वेंट्रल की तरफ, ये फ्लैश के बने होते हैं, काफी जो है फ्लैशी इन नेचर होते हैं, ठीक है, मीन्स मांस के लोथड़े की तरह होते हैं, फ्लैश के बने हुए। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वर्टिकल कॉलम टिल एंड, दिस टेल इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल लोब्स, ठीक है। आपके वर्टिकल कॉलम के एंड में जाने की वजह से इस टेल को हम लोग दो इक्वल लोब में डिवाइड करते हैं। द अपर डॉर्सल लोब इज कॉल्ड इपिकॉर्डल एंड लोअर वेंट्रल लोब इज कॉल्ड हाइपोकॉर्डल। तो होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको बताया ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के साइक्लोस्टोमेटा, और हम अगर नेक्स्ट बात करें आपके डिप्नोई और क्रॉस ऑफ टेरिजियाई में पाई जाती है। क्रॉस ऑफ टेरिजियाई का, क्रॉस ऑफ टेरिजियाई का आपका एक एग्जांपल लैटिमेरिया में, यहाँ पे तीन लोब पाए जाते हैं जिसको अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो द थर्ड लोब इज कॉल्ड मीडियन लोब। तो यहाँ पे तीन लोब हो गया फिश में, लैटिमेरिया में तीनों लोब पाए जाते हैं, एक दो, वन टू एंड थ्री। तो ये तीन लोब पाए जाते हैं लैटिमेरिया में। सो दैट वन इज द वेरी ब्यूटिफुल फिश, वो आपकी एक्सटेंट फिश है, इस समय पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो होप सो आपने डाइफी सर्कल टेल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेल की अगर हम बात करें, दैट इज हेटेरो सर्कल टेल। हेटेरो सर्कल टेल में इट इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ टेल, ये आपका इंटरमीडिएट टाइप ऑफ टेल है। जो भी वर्टिकल कॉलम है वो आपका अपर लोब यानी जो है आपका डॉर्सल की तरफ मुड़ गया है, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम इस तरीके से जाकर के डॉर्सल की तरफ जब मुड़ जाएगा तो ये आपका, दिस टाइप ऑफ टेल इज कॉल्ड हेटेरो सर्कल टेल। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब जो फिश की कॉडल टेल होगी दैट इज डिवाइडेड इंटू टू लोब, ये अभी भी टू लोब में डिवाइडेड होगी। दिस इज कॉल्ड अपर लोब, इसको हम लोग अपर लोब बोलेंगे, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड लोअर लोब। तो ऐसी फिशेज जिसमें आपका अपर लोब बड़ा होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ लोअर लोब, और उठा हुआ होगा, और आपका वर्टिकल कॉलम अपर लोब में इन जाकर के एंड होगा, दिस टाइप ऑफ टेल इज कॉल्ड हेटेरो सर्कल टेल। दिस टाइप इज प्रेजेंट इन द मॉडर्न इलेस्मोब्रांक, इलेस्मोब्रांक। तो कॉन्ड्रिक्थिस को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेस्मोब्रांक फिशेस।
ठीक है, तो इन मॉडर्न इलेस्मोब्रांक फिशेज में ये हेट्रोसर्कल टाइप टेल पाया जाता है। कुछ फिशेज आपकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो बॉटम ड्यूलर्स होती हैं, बॉटम ड्यूलर्स में भी आपकी हेट्रोसर्कल टेल पाई जाती है। जिन फिशेज के पास आपके एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर नहीं पाए जाते हैं उनमें भी आपका हेट्रोसर्कल टेल पाई जाती है। और बात करें तो कुछ डिप्नोई की क्लासेस में, कुछ डिप्नोई मीन्स लंग फिशेज में भी आपके हेट्रोसर्कल टेल पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप इज हाइपोसर्कल टेल। हाइपोसर्कल टेल को हम लोग देखें, इट इज अगर हम बात करें जस्ट रिवर्स ऑफ द हेट्रोसर्कल, हेट्रोसर्कल का ही जस्ट रिवर्स है आपका। नाउ इन हाइपोसर्कल टाइप टेल, जैसे नाम से पता चल रहा है हाइपो मीन्स बिलो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका अपर लोब जो है वो छोटा होगा ऐसी फिशेज में, ऐसी टेल में आपका, इस तरह की फिशेज की टेल में अपर लोब वो छोटा होगा और लोअर लोब जो है वो आपका बड़ा होगा। अगर हम बात करेंगे तो लोअर लोब बड़ा होगा और वर्टिबल कॉलम आपका जो है वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा, वो टिल एंड तक नहीं जाएगा। अगर हम बात करें ना तो वो अपर लोब की तरफ मुड़ा होगा ना ही वो वेंट्रल लोब की तरफ मुड़ा होगा, बिल्कुल आपके अगर हम बात करें हेट्रोसर्कल टेल की, जैसे हेट्रोसर्कल टेल में आपने देखा कि अपर लोब में आपका ये जो वर्टिबल कॉलम है वो एक्सटेंड हो गया है, बट हाइपोसर्कल में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, आपका नाम से ही पता चल रहा है होमोसर्कल टेल। होमो मीन्स इक्वल, तब ऐसी फिशेज जहाँ पे आपका जो भी लोब है वो, चाहे अगर हम बात करें वेंट्रल और डॉर्सल लोब दोनों इक्वल हों, तो इस तरह की जो है आपके कॉडल फिन को या इस तरह की टेल को हम लोग होमोसर्कल टेल बोलते हैं, जहाँ पे आपके दोनों लोब इक्वल हों। तो दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ हाइयर ऑस्ट्रिक्थिस और टेलियोस्ट। तो आपकी इस तरह की जो फिशेज टेल है वो ज़्यादातर जो है आपके हम बात करें तो ऑस्ट्रिक्थिस, हाई मॉडर्न ऑस्ट्रिक्थिस टेलियोस्ट फिशेज में इस तरह की टेल आपकी पाई जाती है। इसमें जो वर्टिकल कॉलम होता है वो टेल एंड तक नहीं जाता है, लोब से पहले ही ये फिनिश हो जाता है। होमोसर्कल में अगर हम बात करें तो इट इज एक्सटर्नली सिमेट्रिकल। एक्सटर्नल तो ये आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, बट इंटरनली इट इज एसिमेट्रिकल। ठीक है, अगर हम लोग इसमें इंटरनली बात करें तो इंटरनली इट इज एसिमेट्रिकल। होमोसर्कल टेल में अगर हम लोग देखें तो जो आपका एपिकॉर्डल लोब होता है, ठीक है, जो आपका एपिकॉर्डल लोब होता है वो सप्रेस्ड होता है, कि आपका जो वेंट्रल लोब होता है ये वेंट्रल लोब ही आपका पूरी तरह से डेवलप्ड होता है। ठीक है, वेंट्रल लोब इज मोर डेवलप्ड इन होमोसर्कल टेल। तो इंटरनली अगर हम इसको देखेंगे तो इंटरनली एसिमेट्रिकल, एक्सटर्नली सिमेट्रिकल दिखाई देता है। यूरोस्टाइल और वर्टिबल कॉलम इज जस्ट शॉर्ट इंटरमिनली, टर्मिनल में ये शॉर्ट होता है। और कुछ फिशेस की अगर हम बात करें जैसे सैल्मॉन में, तो ये स्लाइटली आपका जो है थोड़ा सा डॉर्सल की तरफ उठा हुआ होता है। ठीक है, सैल्मॉन फिशेस में अगर हम लोग देखें तो जो आपका वर्टिबल कॉलम होता है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ उठा होता है। होमोसर्कल टेल होती है वो आपके टर्मिनल माउथ वाली फिशेज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसी फिशेज जिनका माउथ ना तो डॉर्सल की तरफ होगा ना वेंट्रल की तरफ, टर्मिनल माउथ होगा, तो उसमें ज्यादातर ऐसी फिशेज में आपका टर्मिनल माउथ, तो ऐसी फिशेज में आपका होमोसर्कल टेल पाई जाएगी। इन सम पॉलीप्लेटस एमिया एंड लेपिडोसिरोडोडस, तो अभी आपके कुछ डिप्नोई में कुछ ऐसी फिशेज के नाम आएंगी जो कि आपकी लंग फिशेज हैं, जैसे लेपिडोसिरोडोडस, तो वहाँ पे क्या होता है आपकी जो है वर्टिबल कॉलम होता है या यूरोस्टाइल वो अपटर्न होता है, बट विदाउट फ्लैशी लोब। आपका जो फ्लैशी लोब होता है इसके पास कोई भी फ्लैशी लोब नहीं होता है, तो इस तरह की जो आपकी टेल होती है उसको हम लोग एब्रीवेटेड होमोसर्कल टेल, एब्रीवेटेड होमोसर्कल टेल। तो हो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोसर्कल टेल के बारे में। तो आइसोसर्कल टेल आपका काइमेराज में अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से आपकी ये बिल्कुल इक्वली, रैट फिशेस भी हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि जो इसका कॉडल फिन होता है उसमें इस तरीके से वर्टिबल कॉलम टेल एंड तक पाया जाएगा, एंड बोथ अपर लोब एंड लोअर लोब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड, सो इट इज कॉल्ड आइसोसर्कल टेल। ठीक है, इट इज कॉल्ड आइसोसर्कल टेल। तो होप सो आपको टाइप्स ऑफ टेल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ स्केल।
देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्केल. अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे टाइप के स्केल होती हैं, कॉस्मॉइड, प्लेकोइड, गेनॉइड, साइक्लॉइड, टिनॉइड. तो हम लोग सबसे पहले कॉस्मॉइड स्केल के बारे में बात करेंगे. तो दीज कॉस्मॉइड स्केल आर नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग फिशेज. ये आपका कॉस्मॉइड स्केल लिविंग फिशेज में नहीं पाया जाता है. हम बात करें तो आपके जो भी एक्सटेंट ऑस्ट्रेकोडर्म है, एक्सटेंट आपके लंग फिशेज हैं, आपके सार्कोप्टेरिजियाई हैं, उन लोब्ड फिशेज, ठीक है, सार्कोप्टेरिजियाई लोब्ड फिशेज, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि आपके लोब्ड फिशेज होती हैं, मीन्स जो भी इनका टेल होती है वो लोब्ड होती है, ठीक है, लोब्ड. तो इस तरीके लोब्ड जो फिशेज थी उनमें आपका कॉस्मॉइड टाइप का स्केल पाया जाता है. दिस टाइप ऑफ स्केल कंटेन फोर लेयर. इसमें जो है आपकी फोर लेयर पाई जाती थी. अगर हम लेयर के नाम बात करें, थिन इनेमल, फर्स्ट आपकी थिन इनेमल गेनॉइन. तो इनेमल गेनॉइन था आपका, काफ़ी जो है ये मोटी लेयर थी, ठीक है, इनेमल गेनॉइन. सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें, डेंटाइन लाइक कॉस्मिन, ठीक है, स्पॉन्जी बोन. और चौथे लेयर की अगर हम लोग बात करें तो इनर मोस्ट बैक बोन, ठीक है. इस तरीके से आपके कॉस्मॉइड टाइप के स्केल में चार जो है लेयर पाई जाती थी, जो कि आजकल लिविंग फिशेज में कॉस्मॉइड टाइप के स्केल नहीं पाए जाते हैं. अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्केल इज प्लेकोइड टाइप. तो प्लेकोइड स्केल की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्लेकोइड टाइप के स्केल में जो दीज आर स्पाइंड, ये स्पाइन होते हैं और इनकी जो स्पाइन होती है दीज आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है. अगर हम लोग बात करें तो स्पाइन जो है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है. और ये जो आपके स्केल होती है वो स्किन पे काफ़ी नज़दीक इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं. और इनका जो नज़दीक ये अरेंजमेंट है, ये आपका फिश को, कुछ फिश की स्किन को कुछ सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस देता है. ऐसा लगता है कि कुछ बालू जो है आपका बिखरा हुआ है, इनमें जो चमक जो है हल्की रहती है. जब हम इस जो है बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन है, अगर ये फिश, सपोज ये फिश का इधर माउथ है, ठीक है, तो अगर हम आगे की तरफ से हाथ फेरेंगे तो हमें बिल्कुल स्मूथ और थोड़ी सी रफ स्किन लगेगी. बट अगर हम पीछे की तरफ से हाथ को जब इस तरीके से फेरेंगे तो जो स्पाइन है वो हमें चुभेगी, ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड द प्लेकोइड स्केल. ईच प्लेकोइड स्केल कंटेन अ स्पाइन एंड रोम्बॉइड प्लेट, ठीक है, रोम्बॉइड प्लेट इसमें पाई जाती है जहां से इसकी ओरिजिन हुई है. एंड दिस प्लेट इम्बेडेड इन द स्किन. ये प्लेट आपकी स्किन में इम्बेडेड होती है. अगर हम बात करें, इट इज मेड अप ऑफ सब इनेमल लाइक और डेंटाइन लाइक मटेरियल. तो ये आपके कुछ इनेमल लाइक और डेंटाइन लाइक मटेरियल से बनी होती है. तो अगर हम लोग बात करें आपका जो है मैमल, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल में, तो रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल में जो आपका इपिडर्मिस होता है, वो इपिडर्मिस आपका मेलपेगियन लेयर से बना होता है, ठीक है. हमारे इपिडर्मिस की मेलपेगियन लेयर से बना होता है. और ये जो हमारी इपिडर्मिस होती है ये कैरेटिनॉइड होती है, ठीक है, कैरोटीन प्रोटीन की बनी हुई होती है. बट अगर हम लोग फिशेज में बात करें, दीज स्केल आर डर्मल स्केल एंड काइमल इन ओरिजिन. तो ये आपके मीजन काइम से ओरिजिनेट होते हैं. तो ये आपके कॉर्निफाइड हो सकते हैं, कैल्सिफाइड हो सकते हैं, और आपके बोन के ये स्केल बने हुए हो सकते हैं, ठीक है. बोनी फिशेस में बोन के बने होंगे. बाकी आपके अगर हम इलेस्मोब्रांक या आपके कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस की बात करें तो वहाँ पे आपका ये डेंटाइन लाइक मटेरियल के बने होते हैं, इनेमल लाइक डेंटाइन लाइक मटेरियल से बने होते हैं. तो अगर हम बात करें ए पल्प कैविटी, इनके अंदर एक पल्प कैविटी इस तरीके से बेसल से अटैच होती है, ठीक है, जिससे इनको नरिशमेंट मिलता है. बेसल जो इनकी ये बेसल प्लेट है, दिस बेसल प्लेट इज कनेक्टेड विद द पल्प कैविटी. और वो पल्प कैविटी आपकी जो है वो स्किन से अटैच होती है, जिससे इस स्केल को नरिशमेंट मिलता है. नेक्स्ट टाइप स्केल की अगर हम बात करें, दैट इज गेनॉइड टाइप स्केल. टाइप की अगर हम बात करें, देर आर दीज आर द रोम्बॉइड टाइप स्केल. ये सारी स्केल्स जो है आपकी डायमंड शेप की होती है इस तरीके से. और दीज आर क्लोजली सेट टू ईच अदर. ये एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली सेट होते हैं. स्केल गोस गिव्स टू द बोनी अपीयरेंस इन द फिशेज. ये जो है फिशेज में आपका बोनी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है,
ठीक है, एंड मेड अप ऑफ रोम्बॉइड प्लेट, ये रोम्बॉइड प्लेट का बना हुआ होता है। आपकी डेंटाइन और कॉस्मिन लाइक मटेरियल से ये बने होते हैं। हम बात करें कुछ लंग फिशेस की, ये स्पेशलिटी होती है आपकी लेपिडोसिरोटोडस टाइप की जो फिशेज होंगी, लंग फिशेज जिनके बारे में डिप्नोई क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे आपकी गेनॉइड टाइप स्केल पाई जाती है। द नेक्स्ट स्केल इज साइक्लॉइड टाइप स्केल। ज़्यादा आपके जितने भी मॉडर्न ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज हैं, अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज, बोनी फिशेज, तो आपके उसमें साइक्लॉइड टाइप स्केल पाए जाते हैं। दीज स्केल्स आर सर्कुलर इन स्ट्रक्चर, ये आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं ये स्केल्स के। और अगर हम बात करें तो ये स्केल्स आपकी थिन, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, मीन्स ऐसा लगता है कि इसके अंदर देखा जा सकता है, ठीक है, बट ये पूरी तरह से आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, कुछ अर्ध पारदर्शी होती है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। एंड दीज आर द थिनर एट द एक्सटीरियरली, और अगर हम बात करें तो आपके किनारों पे ये थोड़ी थिन होती है, जबकि बीच में ये थिन जो है इसका थिक पार्ट होता है। एंड दिस कंटेन द कंसेंट्रिक लाइन, ठीक है, ये कंसेंट्रिक लाइन होती है जिन लाइंस को गिन करके हम फिश की एज के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके कुछ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो फिशेस पे काम करते हैं, वो आपकी इन कंसेंट्रिक लाइन को गिन करके फिश की एज के बारे में पता लगाते हैं। इन साइक्लॉइड स्केल अगर हम बात करें तो ये साइक्लॉइड स्केल में पाई जाती है कंसेंट्रिक लाइन। आर मेड अप ऑफ अपर बोनी एंड इनर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आपके आउटरली अगर हम बात करें तो बोनी प्लेट्स के, और अंदर की तरफ आपके कनेक्टिव फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं साइक्लॉइड स्केल। दीज स्केल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, अगर हम लोग बात करें तो ये स्केल एक दूसरे पे इस तरीके से ओवरलैप्ड रहते हैं एंड एम्बेडेड इन ए स्मॉल, ठीक है, धसे हुए होते हैं बहुत ही स्मॉल पॉकेट ऑफ डर्मिस, ठीक है, डर्मिस लेयर पर, अपने डर्मिस लेयर पर ये बहुत ही स्मॉल पॉकेट के रूप में धसे होते हैं। आप इसके इस तरह की फिशेस की स्केल को थोड़ा सा इस तरह से चिमटी से उठा भी सकते हैं और बिल्कुल लिटिल बिट यहाँ पे छोटा सा पॉकेट, छोटा सा इस तरीके से अटैचमेंट होता है विद द डर्मिस, डर्मिस के साथ एक बहुत ही छोटा हल्का अटैचमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉकेट इन इपिडर्मिस। तो आपके कार्प, टेलियस, टेलियस फिशेज में जो है आपके, और कुछ लंग फिशेज में साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केल की बात करें तो हम लोग दैट इज टिनॉइड, टिनॉइड स्केल। दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है, मॉडर्न टाइप की जितनी भी ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज है उसमें आपका टिनॉइड टाइप स्केल पाया जाता है। द स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज सिमिलर टू द साइक्लॉइड स्केल, अगर हम लोग टिनॉइड स्केल के स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट की बात करें तो ये पूरा साइक्लॉइड स्केल की तरह ही होता है, बट ओनली अगर हम बात करें द डिफरेंस इज बिटवीन साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल, ये आपके ओवरलैप नहीं होती है, इनका जो इंड पार्ट होता है वो इंड पार्ट आपका फ्री होता है और दे कंटेन द न्यूमरस कॉम्ब लाइक स्पाइंस, ठीक है, तो ये आपके इंडिपेंडेंट न्यूमरस कॉम्ब लाइक स्पाइंस इन पे प्रेजेंट होते हैं। साइक्लॉइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन है टिनॉइड स्केल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पाइन। तो मैंने आपको बताया जितनी भी आपकी मॉडर्न ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज हैं उनमें आपका टिनॉइड स्केल पाया जाता है। स्केल की प्रेजेंस फिशेज को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक, इन वाटर, वाटर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इनके नीचे जो है कुछ म्यूकस ग्लैंड होती है जिनसे म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और ये इनको स्लाइमी अपीयरेंस प्रोवाइड करती है जिससे इनके ऊपर जो है बॉडी पर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्ट्रिक्थिस, तो ऑस्ट्रिक्थिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, ठीक है, ऑस्ट्रियो, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो आपका बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। कुछ कुछ फिशेज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके जो कार्टिलेज की भी प्रेजेंस होती है एंड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री, हम लोग देखेंगे जो आपका नोटोकॉर्ड है वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया है, यहाँ पे आपका वर्टिब्री पाई जाती है। हम लोग बात करें तो पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोथ आर प्रेजेंट और अब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ फिशेज, ऑस्ट्रिक्थिस में आपके पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल प्रेजेंट हैं भी और नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लैस्पर की अगर हम लोग बात करें तो क्लैस्पर्स आर टोटली अब्सेंट इन ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज, आपके ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज में क्लैस्पर यानी जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जो आपका कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में पाया जाता था वो यहाँ पे ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज में क्लैस्पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दीज फिशेज आर फ्रेश
वाटर और ब्रैकिस वाटर, ये आपकी जो है फ्रेश यानी साफ पानी की मछलियां होती हैं जिसको हम लोग मीठे जल की मछली भी कहते हैं। और ब्रैकिस वाटर, ब्रैकिस वाटर का मतलब ऐसा वाटर जहाँ पे आपकी जो नदी होती है वो समुद्र से बिल्कुल मिलने ही वाली होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका नदी का और समुद्र का पानी मिल रहा होता है उसको हम लोग ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साल्ट वाटर। तो ये मछलियाँ आपकी फ्रेश ब्रैकिस और साल्ट वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है, मैरीन वाटर में नहीं, ठीक है, मैरीन वाटर में नहीं पाई जाती हैं। एंड अगर हम लोग बात करें, दीज आर स्पेंडल शेप्ड, ये स्पेंडल शेप्ड की होती है और स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है, इनकी कुछ स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जैसे आपका शिप होता है आगे से इस तरीके से नुकीला तैरने के लिए, तो दीज आर द स्ट्रीम लाइन बॉडी, इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो फिन, बोथ मीडियम एंड पेयर्ड, ठीक है, इनमें दोनों तरीके के फिन पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन तो पाए जाते हैं, मीन्स आपके पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, कुछ कुछ फिशेज में आपके मीडियम फिन भी पाए जाते हैं। एंड दीज फिन आर सपोर्टेड बाई फिन रे दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोनी। तो आपने जब नॉर्मली फिश को देखा होगा तो आप उसकी जब इस तरीके से फिन को उठा करके देखते हैं तो आप देखते हैं इस तरीके से इसमें फिन रे पाया जाता है। इस तरीके से हम लोग फिश के फिगर भी बनाते थे बचपन से, तो हम उसमें कुछ इसके पंख में, ठीक है, फिन में कुछ इस तरीके से रे बनाते हैं। दीज रे आर द बोनी, ये आप देखते हैं काफी हार्ड बोनी, बोन का भी बना होता है और कार्टिलेज का ही बना होता है, ठीक है, फिन रे सपोर्टेड बाय कार्टिलेज और बोन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टेल की, तो इनमें जो है होमो सर्कल टाइप का टेल पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट स्किन विथ मैनी म्यूकस ग्लैंड यूजली इम्बेडेड इन द डर्मल स्केल, ठीक है, तो आपका डर्मल स्केल, जो डर्मल स्केल होती है, अगर हम बात करें गेनॉइड साइक्लॉइड और टिनॉइड, उन्हीं स्केल के पास में आपकी म्यूकस ग्लैंड इम्बेडेड होती है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, वो म्यूकस आपका स्केल के ऊपर पाया जाता है जिसकी वजह से स्केल पे वाटर नहीं रुक पाता है। और हम लोग जब भी फिश को बाहर निकाल के देखते हैं तो पानी तुरंत जो है फिश की बॉडी से फिसल जाता है, इसीलिए वो पानी में इतना ईजिली जो है तैरती रहती हैं और जो उनकी बॉडी में पानी, वो उनकी जो बॉडी होती है वो पानी में खराब नहीं होती है क्योंकि इनके पास म्यूकस ग्लैंड इम्बेडेड होती है इन द डर्मल स्केल्स, ठीक है, डर्मल स्केल के साथ ही म्यूकस ग्लैंड इंबेडेड होती है। जबकि अगर हम लोग अपना हाथ अगर वाटर में डालेंगे, दो तीन दिन अगर चार पांच दिन हमारा वो हाथ जो है वाटर में पड़ा रह गया तो यहाँ पे कुछ सड़न हो सकती है क्योंकि हम लोग के पास इतनी ये म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती है, ठीक। जबकि इनके जो फिश की बॉडी होती है उनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड इंबेडेड रहती है जो है स्केल्स के साथ। तो मैंने आपको बताया तीन टाइप की स्केल इसमें पाई जाती है ऑस्ट्रिचफिश में, गेनॉइड साइक्लॉइड और टिनॉइड। कभी भी इनमें प्लैकोइड स्केल नहीं पाया जाएगा। प्लैकोइड स्केल इज ऑनली करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस फिशेस या इलेस्मोब्रांक फिशेस, ठीक है। प्लैकोइड स्केल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस फिशेस और इलेस्मोब्रांक फिशेस। तो माउथ इनका जो होता है, माउथ इज टर्मिनल और सब टर्मिनल, ठीक है। तो आपका हम लोगों ने कल जो है जब कॉन्ड्रिक्टिस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने आपका दो तरीके की क्लासेस पढ़े थे, प्यूरोट्रिमाटा और हाइपोट्रिमाटा, ठीक है। तो हाइपोट्रिमाटा का मतलब ही होता है इस तरीके की पान, इस तरीके की फिशेस जो वेंट्रली और डॉर्सल दोनों तरफ से जो है आपकी फ्लैट हो और आपका जो माउथ की ओपनिंग हो वो वेंट्रल की तरफ हो, ठीक है, और इनमें जो गिल्स की ओपनिंग हो वो भी आपके वेंट्रल की तरफ पाई जाएगी, फाइव पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है, फाइव पेयर ऑफ गिल्स जो है वो वेंट्रल की तरफ पाए जाएंगे। तो इसको हम लोग हाइपोट्रिमाटा बोलते थे, ठीक है, जो कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, मीन्स आपका कॉन्ड्रिक्टिस फिशेस में पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपका माउथ की, तो ऐसी फिशेज में, ऑस्ट्रिचिस फिशेज में माउथ आपका टर्मिनल होगा, ना डॉर्सल की तरफ ना वेंट्रल की तरफ, इस तरीके से दोनों के बीचों बीच, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट पर, और थोड़ा सा सब टर्मिनल हो सकता है, ठीक, थोड़ा सा नीचे वेंट्रल की तरफ झुका हुआ हो सकता है, बट आपका कभी भी पूरी तरह से वेंट्रल या डॉर्सल पर नहीं होगा। माउथ टर्मिनल और सब टर्मिनल। क्लोएकल लेकिंग, क्लोएका आपका ऑस्ट्रिक्टिस फिशेज में एब्सेंट होता है, जबकि हम लोगों ने कल कॉन्ड्रिक्टिस फिशेज में बात किया था वहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट था। अ कॉमन ओपनिंग फॉर जो है यूरिनरी ट्रैक एंड हम लोग बात करें तो आपके जेनाइटल ऑर्गन के लिए, आपके जो है जो भी आपके गैमेट्स होते हैं और यूरिन होता है, वो दोनों का रास्ता अगर सेम हो तो उसे हम लोग क्लोएका बोलते हैं। यहाँ पे आपका एनस प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट इन द ऑस्ट्रिक्टिस फिशेज। द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज रेस्पिरेशन बाई फोर पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है, बोनी गिल स्लिट्स, ठीक, तो चार पेयर बोनी गिल स्लिट्स से होता है। और अगर हम लोगों ने फिश, इस तरह की फिशेस को मार्केट में, मैंने आपको बताया, आपने देखा हुआ है
फ्रेश वाटर फिशेस, तो इनके पीछे इस तरीके से आपका ऑपरकुलम पाया जाता है। जब हम इस ऑपरकुलम को उठाते हैं तब इसके अंदर जो है हम लोग को इस तरीके से गिल्स के पेयर दिखाई देते हैं। तो दीस फोर पेयर गिल्स स्लिट्स कवर्ड बाई अ बोनी ऑपरकुलम, ठीक है, ये एक बोनी ऑपरकुलम से ढका होता है इन ऑस्ट्रिचेस फिशेज में। तो अगर हम लोग बात करें तो एंड एयर, ठीक है, और स्विम, SWIM, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और जब हम लोग इन फिशेस को कट करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से इनकी बॉडी में, कट करने के जैसे ही हम इनको कट करेंगे वेंट्रल की तरफ से, तो आप देखेंगे इस तरीके का एक एयर ब्लैडर पाया जाता है इनमें, ठीक है, काफ़ी बड़ा इस तरीके से एयर ब्लैडर पाया जाता है। और इस ये एयर ब्लैडर एक पतली, सपोज ये एयर ब्लैडर है तो ये एयर ब्लैडर आपकी पतली इस तरीके से डक्ट से, ठीक है, ये हवा की एक डक्ट होती है, इसके अंदर हवा भरी होती है स्विम ब्लैडर में, जो कि इन मछलियों को तैरने के लिए हेल्प करती है, जिसकी वजह से ये मछलियाँ जो है पानी में डूबती नहीं है। ये आपका जो एयर ब्लैडर होता है ये डक्ट कनेक्टेड होती है फेरिंग्स से, ठीक है, इनकी बॉडी में जब पाई जाएगी नीचे की तरफ ये वेंट्रल साइड में, तो ये फेरिंग से किसी कुछ फिशेज में ये फेरिंग से कनेक्टेड होता है, कुछ फिशेज में ये फेरिंग से कनेक्टेड नहीं होता है। तो एयर ब्लैडर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक। डिप्लोई इनका एक क्लास, इनमें जो है आपका ऑस्ट्रिचेस में एक क्लास डिप्लोई पाया जाता है, जिन फिशेज में आपका लंग प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका डिप्लोई क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डिप्लोई के बारे में काफ़ी कुछ पूछता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका वेंट्रल हार्ट जो होता है, इनमें टू चैम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, साइनस विनोसस पाया जाता है और कोनस आर्टियोसस प्रेजेंट होता है। जिनको साइनस विनोसस, कोनस आर्टियोसस ये सारे वर्ड ना समझ में आए, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, वहाँ पे मैंने इन सबको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। जब से मैंने आपको प्लैकोडर्म, ऑस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा देन ये सारे क्लासेस पढ़ाते गए, आप हर क्लास को लाइन से स्टडी कीजिए, जिससे आपको कभी भी किसी भी क्लास के करेक्टर समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब आप जब अंतर को देखे रहेंगे, डिफरेंस को, तब आप किसी भी क्लास के करेक्टर को तुरंत जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट इन द ऑस्ट्रिचेस, ऑस्ट्रिचेस फिशेज में आपके एडल्ट में मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाएगी, जबकि अगर हम लोग लार्वा में देखें तो आपके लार्वा में प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाएगी और एडल्ट में मेसोनेफ्रिक किडनी। सेम ऐसे अगर हम लोग मैमल की बात करेंगे तो मैमल के जो आपके इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, मैमल में पहले प्रोनेफ्रिक किडनी बनेगी, मैमल, रेप्टाइल और बर्ड तीनों की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी पहले प्रोनेफ्रिक किडनी बनेगी इम्ब्रियो में, उसके बाद फिर मेटानेफ्रिक किडनी और फिर मेसोनेफ्रिक किडनी और फाइनली उनमें मेटानेफ्रिक किडनी बनेगी। तो मेटानेफ्रिक किडनी आप किडनी वाले वीडियो में डिटेल में देख लीजिए। लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट, लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है इनमें, और 10 पेयर आपके क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं इन फिशेस, जबकि ह्यूमन की हम लोग बात करें तो ह्यूमन में 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाया जाता है। क्रैनियल नर्व्स मीन्स हमारे क्रेनियम की तरफ आने वाली जो नर्व होती हैं, मीन्स हमारे आँख के लिए ऑप्टिक, ऑप्थेलमिक, ठीक है, ऑप्थेलमिक बोलेंगे, ऑक्यूलोमोटर सूंघने के लिए हमारे इस तरीके से। तो इंटरनल ईयर इनमें पाया जाता है विथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आपके इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है इन ऑस्ट्रिचेस। नेक्स्ट अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट इन ऑस्ट्रिचेस फिशेस, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है और ओविफेरस ये फिशेस होती हैं, मींस आपके ये वो एग देती हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें वीवीफेरस या ओविवीफेरस मतलब नहीं पाया जाता है, ठीक है, ओविवीफेरस नेचर नहीं पाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।